तुम्हारे लिए केक और फ्लास्क लाया है। 4 साल दीपिका की दुनिया सो स्वीट। तू लेके आया? अयो ये अब रुलाएगा। थैंक यू। बड़ा हो गया। रोहन, हे रोहन, अम्मी को 4 साल हो गए व्लॉगिंग करते करते। हाँ, 4 साल। ये लो, चलो अम्मी केक कट करें, पकड़ो। कंग्रेचुलेशंस, 4 साल कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह, काफी हेट भी मिली बट ठीक है। हार मिला है, पढ़ना भारी है। यस, बट कोई नहीं, जो भी लोग कहते हैं आपको कि अच्छा बुरा कि कैसी हो क्या हो ये हो वो हो, आई थिंक वो उनका परसेप्शन है, उनका सोच है, बट तुम क्या हो हम सबके लिए वो हम जानते हैं, और तुम क्या हो आपके चाहने वालों के लिए वो भी वो जानते हैं। एंड तुम मतलब जेन्युइनली, यू नो, आज मैं कभी ऐसा ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट सीरियसली एक अच्छा नेक दिल इंसान, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन, एक कमाल एक्ट्रेस जो अभी कुछ वक्त के लिए रेस्ट पे है, इंशाल्लाह फिर आएगी, और एक ऐसी बहुत ही यू नो अच्छी माँ जिसने रोहन को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा है। हैट्स ऑफ दीपिका, हैट्स ऑफ। जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जो समझना है समझने दो, जो बिना किसी को जज करे हुए सारी चीज़ें करता है वो समझेगा, अदरवाइज बोलने को तो आज के लोग कुछ भी बोलते हैं, किसी को नहीं छोड़ते है कि? Behind every successful man is a woman, and that goes with me that behind my success is your support. That is enough. तो फ्रेंड्स, आपने देखा दीपिका को पूरे 4 ईयर कंप्लीट हो गए यूट्यूब पर व्लॉगिंग करते हुए, और उनके देवर रिहान जो उनके लिए केक लेकर आए हैं, और शुएब ने जो कहा सच में दिल को छू जाने वाली बात है। सच में यूट्यूब पर जब भी कोई काम, मतलब यूट्यूब पर नहीं, सोशल मीडिया पर कहीं पर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें हेट्स भी उतना ही मिलते हैं और प्यार भी उतना ही मिलता है। लेकिन जैसा कि दीपिका ने कहा कि प्यार का पलड़ा भारी है तो फिर सब चलेगा, और जैसा कि शुएब ने कहा कि दीपिका एक कमाल की एक्ट्रेस हैं, और कुछ देर के लिए जो है, कुछ वक्त के लिए जो है रेस्ट पर है, तो हमें दीपिका जल्द ही कोई टीवी शो में दिखने वाली है, इससे ये जाहिर हो जाता है। और साथ ही हम आपको बताते हैं, दीपिका प्रेग्नेंट हुई थी 5 ईयर बाद, और फिर उसके बाद प्री मैच्योर डिलीवरी थी। दीपिका ने अपना पूरा टाइम अपने बेबी को संभालने में दिया है, उनके लुक को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर उनको बहुत बातें सुनाई जाती है, उनको ट्रोल किया जाता है, आए दिन उनके ऊपर गलत गलत बातें जो है थोप दी जाती है, उनके उनके बेबी के ऊपर भी। लेकिन दीपिका हर चीज़ को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है।